MCQ जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे आपके UPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए। यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई सारे एग्ज़ाम में पहले पूछे भी जा चुके हैं और UPSC में पूछे गए हैं। UPSC के एग्ज़ाम में मेनली UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन ना कि सिर्फ UPSC सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे बल्कि यदि आप कोई अदर स्टेट बेसिस का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है टर्म आर्यन डिनोट्स, तो आर्यन का मतलब या मीनिंग यहाँ पे क्या है? तो आर्यन का मतलब होता है सुपीरियर रेस, ठीक, या सुपीरियर रेस की बात की गई। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ठीक कई बार एग्जाम में। तो टर्म आर्यन का हो गया सुपीरियर रेस। तो आर्यन इज टर्म मीनिंग नोबेल और सुप्रीम सुपीरियर विच वॉज यूज एज सेल्फ डेजिग्नेटेड बाई इंडो आर्यन पीपल। तो ये जो टर्म था वो इंडो आर्यन पीपल के द्वारा यूज किया जाता था। इन क्लासिक संस्कृत द बर्ड आर्यन मीन अ नोबल मैन, ठीक है। तो इन सारे इस बुक का बर्ड का मतलब हो गया। तो बर्ड वॉज यूज बाई पीपल ऑफ वैदिक पीरियड, तो ये वैदिक पीरियड में लोगों के द्वारा यूज किया जाता था दोस्तों। और आप लोगों को बता दें कि ये सारे क्वेश्चन वैदिक टाइम की जो हिस्ट्री है उसी से लिए गए हैं, ठीक है, तो याद रखें। स्कॉलर्स पॉइंट आउट दैट इवन इन एंशियंट टाइम आइडिया ऑफ बींगिंग आर्यन वॉज रिलीजियस। तो ये एक धार्मिक टर्म है, कल्चरल लिंग्विस्टिक नॉट रेशियल। तो ये इसका कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन, कल्चर और लिंग्विस्टिक जो भाषा बोलते थे, धर्म और जाति, मतलब इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। अब बस इतना याद रखें, धर्म से हो सकता है, भाषा से हो सकता है, आर्यन का मीन, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से चार वेद दिए हैं, यजुर्वेद, ऋग, सामवेद, अर्थवेद में ओल्डेस्ट वेदा कौन? तो ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेदा, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है हमारे सारे वेदों में, ओल्डेस्ट वेदा। इन विच वैदिक टेक्स्ट टर्म बर्ना इज फाउंड फर्स्ट टाइम, तो बर्न जो शब्द है इसका पहली बार किस वेद में यूज किया गया था? तो ये है ऋग्वेद, ये ऋग्वेद में पहली बार बर्न शब्द का यूज किया गया था। याद रखें ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं बर्ना हैव नोन फ्रॉम ऋग्वेदा सिंस हेमन इन ऋग्वेदा पोर्ट्रेट ब्राह्मिन्स प्रिस्ट क्षत्रिय नोबेल वैश्या कॉमनर एंड शूद्रा सर्वेंट। तो ये आज का कुछ ऐसे इससे लेना देना नहीं है, वैदिक सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। इशू फोर्ड क्रिएशन फ्रॉम माउथ आर्म थिंग्स एंड फीट ऑफ पिरेम्बल पर्सन पुरुषा और द लिटरल मीनिंग ऑफ बर्ड बर्ना इज कलर और क्लास। इन संस्कृत में बर्न का मतलब होता है कलर और क्लास, ठीक। रिवर मेंशन मोस्ट इन अर्ली वैदिक, तो वैदिक लिटरेचर में सबसे ज़्यादा किस नदी का नाम या रिवर का नाम आया है? तो वो है सिंधु, सिंधु सभ्यता भी है, तो सिंधु रिवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ मेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऋग्वेदा, तो ऋग्वेदा में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है, कौन सी? सिंधु नदी का। तो सिंधु रिवर ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, तो इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बहुत था क्योंकि दैट वाई इट इज़ कॉल्ड हिरानी, ठीक। इट्स प्लेस ऑफ टर्मिनेट रिफर टू पेराबत अरेबियन सी, ठीक है, इसका लिंक करती है अरेबियन सी से क्योंकि ये उधर से होकर अरेबियन सी में ही फॉल करती है। सरस्वती रिवर वॉज मोस्ट पायस रिवर ऋग्वेदिक आर्यन कॉल्ड एज नादित आमा, ठीक, नादित आमा। सरस्वती का भी बहुत ज़्यादा पहलू था, पर सिंधु इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि एग्रीकल्चर को फॉस्फोरस फर्टाइल बनाना इस नदी का बहुत ज़्यादा योगदान है उस टाइम में, आज भी है। ऋग्वेदिक पीरियड बर्ड निक्षा वॉज यूज फॉर अ ज्वेलरी बट इन लेटर पीरियड इट वॉज यूज फॉर मीनिंग ऑफ कॉइन, ठीक। ऋग्वेदिक टाइम में निक्षा का मतलब ज्वेलरी से होता था, पर उसके बाद इसका जो टर्म था इसको कॉइन के लिए यूज करना। ऋग्वेदिक पीरियड गोल्ड नेकलेस कॉल्ड निक्षा विच लेटर नेम्ड गोल्ड कॉइन, ठीक है। हु अमंग फॉलोइंग वाज ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हेमनम वेदास लोपमुद्रा गार्गी लीलावती सावित्री, तो ये हैं लोपमुद्रा।
तो मैनी हेमन्ना ऑफ ऋग्वेदा वर कम्पोज्ड बाई वूमेन एंड देवर कॉल्ड ब्रह्म वादिनी। तो जो ऋग्वेदा के जो बहुत सारे हेमंस हैं या श्लोक हैं जो वुमेन के द्वारा महिलाओं के द्वारा रिटर्न किए गए हैं तो उनको ब्रह्मवादिनी बोलते हैं, और उनमें नाम है लोप मुद्रा का। तो प्रोमिनेंट अमंग देम वाद लोप मुद्रा विश्ववारा सिक्ता निबारी कोसा, ये इनके नाम याद रखें। लोप मुद्रा वाद वाइफ ऑफ अगस्त्य ऋषि, तो अगस्त्य ऋषि की वाइफ है लोप मुद्रा, जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ हेमंस को लिखा है। बात करते हैं रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्राइमरली, तो आपको बताना है अर्ली वैदिक आर्यन का जो धर्म था, धर्म रिलीजन क्या था, वो था वर्शिप ऑफ नेचर या नेजना। तो ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई जैसा कुछ धर्म इनका रिलीजन नहीं था, वर्शिप ऑफ नेचर या नेजना था अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों का। तो रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वन रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ नेचर एंड परफॉर्मिंग यजना। आर्यन अर्ली वैदिक पीरियड डिस्क्राइब लाइफ एज मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर, वर्शिप ऑफ डिफरेंट फोर्सेस नेचर पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव, दे बिलीव दैट सम डिवाइन पावर वर्क बिहाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। तो जैसे नदी हवा और पानी इन सब के पीछे उनको लगता था कि कोई डिवाइन मतलब रहस्यमय ही शक्ति है इन सब के पीछे, इसलिए वो नेचर को वर्शिप करते थे या उसकी पूजा करते थे, आज भी होती है। तो कुछ ऐसे फ्रॉम वेयर बर्ड सत्यमेव जयते टेकन, बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत फेमस आई थिंक सबको पता होना चाहिए है मुंडको उपनिषद। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ अदर थ्री, तो कुला वंश एंड गोत्र आज सेम बर्ड पर कोसा इज वेरी डिफरेंट, तो आंसर यही है। तो इन दी कॉन्टेक्स्ट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री वर्ण गोत्र एंड कुला आर द बर्ड एसोसिएटेड विद फैमिली सिस्टम, बट बर्ड कोसा इज रिलेटेड टू ट्रेजरी कोस धन, ठीक इसका मनी बोल सकते हैं आप, इससे लेना देना है कोस का, बट ये जो कुला है वंश हैं गोत्र हैं ये फैमिली से रिलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल, तो डिफरेंस पूछा है आईवीसी और वैदिक पीपल उनके बीच स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो पहला ऋग्वेदिक आर्यन यूज टू कोट मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर, वेज पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई बार आर का ऐसा एविडेंट आईवीसी में नहीं मिला है। ऋग्वेदिक आर्यन न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर वेयर इंडस वैली, ये भी गलत है, ये गलत है क्योंकि आईवीसी के लोग भी गोल्ड कॉपर ये सब पहनते थे। ऋग्वेदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स वेयर इज देयर इज नो एविडेंस ऑफ, ये भी गलत है क्योंकि कहीं पे एविडेंस कहीं कहीं पे मिले हैं, तो ये गलत है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोटा मेल हेलमेट मेड ऑफ गोल्ड एंड आर्यन इज मेंशन इन ऋग्वेदा, पॉसिबली देवर यूजिंग इन वारफेयर, ओके तो मतलब इनका यूज युद्ध में होता होगा, बिल्कुल सही बात है। इंडस वैली पीपल वर लैकिंग वेपन एंड वर पॉसिबली रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट, ठीक है तो ये मेनली जो आईबीसी के लोग थे वो मर्चेंट मीन्स व्यापार में ट्रेड में इंटरेस्ट रखते थे, ना कि बार में लाइक वैदिक पीपल। तो वैदिक पीपल वर इंटरेस्टेड इन बार बट आईबीसी पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेड, मतलब आईबीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो व्यापार में इंटरेस्ट रखते थे, ऐसे याद रखो। वैदिक सिविलाइजेशन के जो लोग थे वैदिक पीरियड के लोग थे वो बार में बहुत इंटरेस्टेड रखते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस यूजिंग वेपन, तो इसलिए जाहिर सी बात आईबीसी में कोई वेपन का यूज हुआ है या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वैदिक आर्यन न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर, इंडस वैली पीपल नो ओनली कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तो गोल्ड नहीं मिला है पर आयरन की जानकारी नहीं थी आईवीसी के लोग। यूज ऑफ आयरन स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया विद इन 1000 ईयर टाइम दिया गया है। रिक वैदिक आर्यन ऑन देयर सक्सेस इन इंडिया यूज ऑफ हॉर्सेस एंड चैरिट कॉल्ड भागवान पूरा हैज बीन एग्जिबिटेड इन हरियाणा ऑफ ऋग्वेदिक टाइम, ठीक है। हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड
तो वैदिक सिविलाइजेशन के जो रीजन था उसमें हॉर्स के बोन्स पाए गए हैं। रिमेन ऑफ हॉर्स आर रिपोर्टेड फ्राम सुरकोटा सिचुएटेड इन वेस्ट गुजरात। तो सुरकोटा वेस्ट गुजरात में, बहुत याद रखें, बिलोंग टू 2000 BC बट आइडेंटिफाई इन डाउटफुल, आइडेंटिटी इन डाउटफुल, बट मिले हैं पर इसका कोई एकदम प्रॉपर या पक्का कुछ कहा नहीं जा सकता, डाउट में है। इन एनी केस इंडस वैली सिविलाइजेशन बट नॉट हॉर्स सेंटर, देयरफॉर स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। जो डाउटफुल होते हैं उनको गलत मानो। दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए।